लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आराध्य विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलूं? मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता है। मैं तो हमेशा उनके साथ, कभी वृंदावन में, कभी गोलोक में, कभी यहां वहां रास रचती रही। मुझे तो तपस्या भी नहीं करनी आती, मैं क्या करूं? नारायण नारायण। आप कौन है? तुम मुझे नहीं जानती। मैं बताए देता हूं, मैं भगवान विष्णु का एक तुच्छ भक्त हूं। आप विष्णु के भक्त हैं? तुम्हें विश्वास नहीं होता? आप विष्णु को कहां मिले? नारायण नारायण, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा मुंह हाथ पांव जो दिखाई दे रहा है वो नारद है। अंदर हृदय में एक भव्य मूर्ति बैठी हुई है जो भगवान विष्णु है। नारायण नारायण। आप धन्य हैं। आप मुझे ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे मैं अपने विष्णु को पालूं, अपने कृष्ण को पालूं, अपने परमेश्वर को पालूं। नारायण नारायण। पुत्री, तपस्या का कोई ढंग नहीं होता। मैं चलते चलते, उठते बैठते, सोते जागते बस तपस्या ही करता रहता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पुत्री, तू यहीं आसन लगाकर बैठ जा और अपने इष्ट देव को ध्यान में बैठाकर बोल, ओम विष्णु देवाय नमः, 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 ओम विष्णु देवाय नमः। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, आंखें बंद रखना जिससे बाह्य दृश्य तेरा ध्यान ना भंग कर सके। पुत्री, तपस्वी को अपना अस्तित्व भूलकर अपने इष्ट में समाहित करने का नाम ही तपस्या है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। नारायण नारायण। तुलसी, ये किसकी वाणी है? मेरी। आप कौन है? मैं आदि शक्ति हूँ, मैं पराशक्ति हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। मेरा कोई रूप नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें मैं नहीं। मैं सत्यलोक, क्षीर सागर वैकुंठ, शिवलोक सभी जगह निवास करती हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम्हें शीघ्र ब्रह्मदेव का दर्शन होगा, वो तुम्हें जीवन मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः।
पुत्री तुलसी आंखें खोलो। पितामह ब्रह्मदेव, मैं श्रद्धा एवं समर्पित भाव से आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शुभाशीर्वाद। तुलसी, तुम मनोवांछित वर मांग सकती हो। तुम श्री हरि की भक्ति अथवा अजर अमर होना चाहती हो या अन्य कुछ, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मदेव, मैं वरदान मांगने से पहले अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करना चाहती हूँ। तुम्हारी अभिलाषा जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी, गोलोक में मेरा निवास था। श्री कृष्ण की प्रिया अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त था, किंतु आगे कहो पुत्री। मैं प्रभु के साथ रास विलास में मग्न थी। इतने में भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर रोष से मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में भूलोक में जन्म लो। उनका शाप फलित हुआ। भगवान गोविंद ने कुछ नहीं कहा? कहा कि तुम धरती पर तपस्या करो, ब्रह्मा तुम्हें वरदान देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूतांश चतुर्भुज श्री विष्णु तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इतना कहकर देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात तुमने क्या किया? देह त्याग कर भूमंडल में उपस्थित हो गई हूँ। श्री विष्णु उस समय जो मेरे पति थे, उन्हीं को पाने के लिए वर मांग रही हूँ। गोलोक की ईर्षा का वज्रपात श्री कृष्ण के अंश से प्रकट श्री दामा नामक गोप पर भी हुआ है। उसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। पितामह, उसने किसकी कोख से जन्म लिया? शापवश दनु के कुल में उत्पन्न हुआ है। शंखचूर नाम से प्रसिद्ध, त्रिलोके में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं। उसे भी पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण है। मुझे भी अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। इस जन्म में वो कृष्णांश तुम्हारा पति होगा, उसके पश्चात भगवान नारायण तुम्हारे पति होंगे। लीलावश वही नारायण तुम्हें शाप दे देंगे। तात्पर्य, शाप का अभिशाप मुझे हर जन्म में भुगतना होगा? शाप के भय से मुक्ति पाने के लिए परोपकार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपनी कला से वृक्ष बनकर इस भूमंडल पर रहना होगा। सभी जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम में होगी। सभी पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें अपने प्राणों से भी प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष के रूप में रहते हुए तुम्हें लोग वृंदावन ही कहेंगे, अर्थात तुलसी वृंदावन। पितामह, मुझे दो हाथ वाली श्री कृष्ण को पाने की जैसी अभिलाषा है, वैसी अभिलाषा चार हाथ वाले विष्णु को पाने के लिए नहीं है। कृपया करके मुझे राधा के भय से मुक्त कर दे। कल्याणमस्तु। ओम विष्णु देवाय नमः। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा प्रयोग सफल रहा। विष्णु अपने आहत देवता पर अमृत छिड़क कर उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। मैंने ऐसा रसायन कुंड बनाया है जिसमें आहत देवता डुबकी लगाकर स्वस्थ हो जाएंगे। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कल्याणमस्तु। तुम कौन हो तेजस्वी युवक? मैं दैत्यराज दमवान का पुत्र हूँ। तुम्हारा नाम? शंखचूड़। तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए? गुरुदेव, मुझे ऐसा गुर सिखाइए जिससे मैं अजय हो जाऊं। प्राणों का मोह त्याग कर शौर्य पूर्वक शत्रु से पहले शत्रु पर आक्रमण करने वाला अजय बन जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ गुरुदेव। शंखचूड़, इस समय विश्व में दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक देवता दूसरे दैत्य दानव। मैं दैत्य दानवों का शुभचिंतक हूं। मेरे गुरुदेव भगवान शिव शंकर ब्रह्मा निष्पक्ष,
इन दोनों की साधना करके मनोवांछित वर प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धे, अपने पिता की आज्ञा से आपके चरणों में उपस्थित हुआ, मुझे कृपा करके ऐसी विद्या सिखाइए जो मेरी सहायक और संरक्षक सिद्ध हो। वो सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। आश्रम के नीचे सरोवर है, उसमें स्नान करके आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इस युवक ने विश्व विजेता बनने के सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। यशस्वी भव। वत्स, तुमने बड़ी निष्ठा एवं लगन से मेरी सिखाई विद्याओं को ग्रहण किया है। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु शिष्य विरले होते हैं। अब तुम तीर्थ पुष्कर में जाकर तप करो, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करो और उनसे सुरक्षा कवच प्राप्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। ऋषिवर नारद मुनि के निर्देशानुसार मुझे तपस्या की इतनी आनंद अनुभूति हो रही थी, किंतु नारायण नारायण। ऋषिवर को सत सत प्रणाम। कल्याणमस्तु। देवर्षि, अकस्मात मेरा ध्यान भंग हो गया, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी तपस्या कभी भंग ना हो। पुत्री, तुम पराशक्ति माँ गायत्री के महामंत्र का जप करो। पराशक्ति गायत्री माँ? ऋषिवर, कृपया करके मुझे वो महामंत्र बताइए। पुत्री, इसी महामंत्र की शक्ति द्वारा ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। इसी महामंत्र की शक्ति द्वारा भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं। इसी महामंत्र की शक्ति से भगवान शिव शंकर संहार की शक्ति पाते हैं। तुम भी इस महामंत्र का जप करो, मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे साथ बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। नारायण नारायण। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माते, प्रणाम। माते, मुझे क्यों स्मरण किया तुलसी? माता, मन स्थिर नहीं हो रहा है। एक साथ कई विचारों का सम्मिलन मन को अस्थिर बना देता है। देवी, पत्रिक आश्रम में बैठे बैठे देखती हूँ, समय अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य में परिवर्तन नहीं होता। ऋतु का परिवर्तन दिखाई देता है, दिन रात का परिवर्तन दिखाई देता है, किंतु भाग्य का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। धैर्य रखो, विश्वास करो,
तुम्हारे जीवन परिवर्तन की भूमिका बन चुकी है। दयामयी माते, कृपया करके ये भी बता दें कि परिवर्तन सुखमय होगा कि दुखमय। तुलसी, गोलोक में तुम आत्मविस्मृति का सुख पाती थी, पृथ्वी लोक में आत्मतृप्ति का सुख पाओगी। ब्रह्मदेव तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे, उन्हीं का चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण है। ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।